हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं अपने जीवन का सबसे पहला म्यूज़िक कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली लास्ट ईयर जून 2022 में हम टोरंटो में घूम रहे थे और हमको पता चला कि भैया अरिजीत सिंह यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं। तो हमने लास्ट मोमेंट पे जो है अपना टिकट खरीदा और उनका कॉन्सर्ट अटेंड करने गए। तो उसी का एक्सपीरियंस जो है आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप भी अरिजीत सिंह के फ़ैन हैं तो इस वीडियो का एक भी मिनट मिस नहीं कीजिएगा। आपको भी आशा करते हैं कि उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि हमको वहाँ पर रहते हुए उनका म्यूज़िक कॉन्सर्ट पसंद आया था। और इसके अलावा दोस्तों, हम कोई फेमस यूट्यूबर नहीं है। आप जानते हैं कि किसी को भी यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ना है तो उसमें लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं फॉर सिमिलर कंटेंट और फॉर ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट, एंड हमारा वीडियो लाइक एंड शेयर करना भूलेगा नहीं दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आइए आपको ले चलते हैं हमारे जीवन के सबसे पहले और हमारे सबसे फेवरेट सिंगर के म्यूज़िक कॉन्सर्ट की ओर। तो दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं मिसिसागा शहर में और अभी हम बस पकड़ने वाले हैं गो ट्रांजिट की 40 नंबर की, जो हमें ले जाएगी फर्स्ट ऑन्टारियो सेंटर, जहां पे हम अपने जीवन का सबसे पहला कॉन्सर्ट अटेंड करने वाले हैं। और वो कॉन्सर्ट किया जा रहा है अरिजीत सिंह के द्वारा, जो कि हमारे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं। और आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, सारा का सारा भीड़ आपको 90% अपना 3C क्राउड यहाँ पर दिखेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे और भी नज़ारे उस शो से रिलेटेड। सब गो ट्रांजिट की बस स्टॉप से चलते हुए हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट ऑन्टारियो सेंटर, जो कि हैमिल्टन ऑन्टारियो में स्थित है। और ये हैमिल्टन मिसिसागा टोरंटो के बिल्कुल समीप की सिटी है। और इसी जगह पे आज शाम को 7 बजे अरिजीत सिंह का शो होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कतार का और छोर नहीं दिख रहा है। भाई साहब, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अपने साथ, अभी हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ये जो क्यू है जिसका ओ छोर आपको नहीं दिख रहा है, ये अरिजीत सिंह के शो के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ गोरे जो है अपनी गाड़ी रोक के हमसे पूछ रहे थे, भैया इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हैमिल्टन में आज से पहले देखने के लिए मिली नहीं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? तो उसे हमने बताया कि एक बहुत ही फेमस सिंगर है भारत का, जो यहाँ पे आज शाम को परफॉर्म कर रहा है, और उसी को अप्रिशिएट करने के लिए ये सारे भारतीय इकट्ठा हुए हैं। भाई साहब, आज से पहले अपने जीवन में इतने लंबे कतार में हम कभी नहीं लगे जितना हमें यहाँ पे हैमिल्टन ओंटारियो में लगना पड़ रहा है। आप देखिए कि इस क्यू का कोई ओ छोर नहीं है, उधर आपको क्यू में लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से, क्योंकि आपको कोई एंड ही नहीं दिखेगा। पीछे वाले कॉर्नर से चलते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है, लेकिन अभी तक इस क्यू का एंड कहाँ पे है वो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से। हमें पीछे वाले कॉर्नर से चलते हुए करीब 7 मिनट हो गया है, लेकिन लाइन का एंडिंग कहाँ पे है वो हमें दिख नहीं रहा अभी तक। तो चले जा रहे हैं इस उम्मीद में कि हम भी इस कतार में लग जाएंगे। तो भाई साहब, करीब 8 से 9 मिनट तक चलने के बाद अपने को इस लंबी कतार में
थोड़ा सा स्थान प्राप्त हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे पार्किंग करना है तो आपको करीब 30 कनेडियन डॉलर यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे पेमेंट जो लोगों ने किया है टिकट का, वो आई थिंक सबसे कम प्राइस जो मुझे देखा था इनके वेबसाइट पे वो था 59 कनेडियन डॉलर्स का, और उसके ऊपर आई थिंक 150 कनेडियन डॉलर है, और जो सबसे मैक्सिमम प्राइस मुझे दिखा इनके वेबसाइट पे वो था करीब 500 कनेडियन डॉलर का। ये पंक्ति में लगे हुए हमें करीब 15 से 20 मिनट बीत चुका है, और ना तो हमें इस पंक्ति के आगे का छोर दिख रहा है और ना ही इस पंक्ति के पीछे का छोर दिख रहा है। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कनाडा में इतनी लंबी लाइन में कभी हमें लगना पड़ेगा, लेकिन जहां लगभग 7000 लोग उपस्थित हों तो इतनी लंबी लाइन का लगना स्वाभाविक बात है। एनीवेज, हमें बड़ा आनंद आ रहा था क्योंकि ये लंबी सी पंक्ति हमें हमारे स्वदेश की याद दिला रही थी, जहां हमें छोटे से छोटे चीज़ को प्राप्त करने हेतु लंबी लाइन्स में लगना पड़ता था। और हमारा मज़ा डबल तब हुआ जब अपने देसी लोग वही भारत वाले अंदाज में दाएं बाएं से आकर लाइन के बीच में कुछ इस तरह खड़े हो रहे थे जैसे उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि कोई पंक्ति में 35-40 मिनट से खड़ा हो रखा है। एनीवेज, हमारी इतनी लंबी प्रतीक्षा अब लगता है समाप्त होने वाली है। बात करते हैं आप सबों से शीघ्र ही। हैमिल्टन में अभी लोकल टाइम हो रहा है 7:45 का, और करीब एक घंटे तक लाइन में लगे रहने के बाद हमारा नंबर आ गया है, और अब हम यहाँ पे एंट्री गेट से एंटर होने वाले हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर। तो भैया, फाइनली गेट पे सिक्योरिटी क्लियरेंस क्लियर करने के बाद अपने आ गए हैं ऊपर के एरिया में, इस ऑडिटोरियम में, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का क्राउड आपको देखने के लिए मिल रहा है। खचाखच भीड़ से भरा पड़ा है ये जगह, और इस ऑडिटोरियम का कैपेसिटी करीब 7000 लोगों को अकोमोडेट करने का है, और इसमें से कुछ ही टिकट ऐसा होगा जो इनका नहीं बिका होगा। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी के टाइम में 7000 लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, फाइनली हम ऑडिटोरियम के अंदर एंटर कर चुके हैं और अपना सीट ऑक्यूपाई कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खचाखच भरा हुआ है ये ऑडिटोरियम, और इसकी कैपेसिटी जहां तक मुझे पता है वो 7000 लोगों की कैपेसिटी है। तो सारा का सारा भरा पड़ा है यहां पे, 7000 इंडियंस या फिर साउथ एशियंस आप कह सकते हैं, एक साथ अरिजीत सिंह का शो देखने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ 11 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਫਨ। ਔਰ ਆਸ਼ਿਕੀ 2 ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਸਭਸੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਕੇ ਸਾਥ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਕੋ, ਔਰ ਵੋ ਸੌਂਗ ਥਾ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ। आई एम सॉरी, मैं उस सॉन्ग को रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़बरदस्त लग रहा था वहाँ पे कि हम सॉन्ग सुनने में मगन थे और रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए।
तो भाई साहब, हम ढूंढ रहे थे वो मार्ग जो हमें ले जाता वीआईपी एरिया के बिल्कुल समीप, जहां से खड़े होकर हम अरिजीत सिंह को देख सकते बिल्कुल समीप से और उनके गानों को सुन सकते बिल्कुल समीप से। तो फाइनली हमने उस रास्ते को ढूंढ ही लिया जिससे हम पहुंच सकते थे वीआईपी एंट्रेंस के बिल्कुल निकट। वीआईपी एरिया में एंट्री करने के लिए दो मार्ग थे। एक में तो हमें एंट्री प्रोवाइड नहीं की गई, तो हमने सोचा कि दूसरे में ट्राई करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो वहाँ पे गए तो एक लेडी हमें दिख गई और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि हम वीआईपी एरिया के अंदर जाके थोड़े समय के लिए वीडियोज़ शूट कर सकते हैं और पिक्चर्स ले सकते हैं। तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें एंट्री प्रोवाइड कर दी और हम वहाँ पे जाकर अरिजीत सिंह को बिल्कुल समीप से देख सके और उनके गानों को सुन सके उतने समीप से। Thank you.
तुम साथ हो वाले गाने पे जो पूरे क्राउड का वाइब था वो देखने वाला था।
यहाँ से सिलसिला चालू होता है पुराने गानों का, जिसे अरिजीत सिंह ने ज़बरदस्त तरीके से गाया और सारे लोग ऑडिटोरियम के अंदर झूम रहे थे पुराने गानों पे। वो सही ही कहते हैं लोग कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो आप भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। Arijit Singh for you guys. Hope you guys are enjoying the show. टाइम हो रहा है और शो
वाला है और सारे लोग यहाँ पे झूम रहे हैं। जालिमा सॉन्ग पे भी क्राउड का जो वाइब था बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। अगर अरिजीत सिंह के शो में ये जवानी है दीवानी के दो हमारे फेवरेट सॉन्ग्स नहीं बजते तो हमें लगता नहीं कि हमने शो अटेंड किया है। सो थैंक्स लॉट टू अरिजीत सिंह फॉर सिंगिंग बोथ इलाही एंड कबीरा इन द वेरी एंड। फाइनली हैमिल्टन में लोकल टाइम हो रहा है 11:30 बजे रात का और हम बैठ चुके हैं
वो ट्रांजिट की बस में जो हमें हैमिल्टन से ले जाएगी मिसागा सिटी सेंटर, और फिर वहाँ से हमें एक और बस लेनी पड़ेगी अपने एयरबीएनबी अकोमोडेशन तक पहुँचने के लिए। और इस कॉन्सर्ट के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारे जीवन का अब तक का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस या अनुभव था। इस शो का जो मेन अट्रैक्शन था ऑब्वियसली वो अरिजीत सिंह था और उसके गाने थे, बट एक और चीज़ जो मेरे दिल को छू गई वो ये बात थी कि अरिजीत सिंह के गानों ने सारे धर्मों के और सारे जातियों के और बहुत सारे देशों के लोगों को एक साथ एक छत के नीचे सेलिब्रेट करने पे मजबूर कर दिया। तो आज के शो की ये बात हमें बहुत बढ़िया लगी कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या किसी भी देश का हो, सारे लोग अपने भेदभाव को मिटाकर एक साथ एक छत के नीचे खड़े थे और अरिजीत सिंह के गानों पे गुनगुना रहे थे। तो जब ऐसा अपने देश से बाहर हो सकता है तो अपने देश के अंदर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे अरिजीत सिंह के गानों ने कई देशों के लोगों को एक छत के अंदर खड़ा कर दिया, जबकि अरिजीत सिंह इंडियन है और उनके गाने जो हैं मतलब और कौन सुनेगा भारतीय के अलावा। बट ऐसा नहीं था। उस ऑडिटोरियम में हमें भारतीय झंडा तो लहराता हुआ दिखा ही, बट साथ में हमें पाकिस्तान का भी झंडा लहराता हुआ दिखा। और जितना मोहब्बत भारतीय कर रहे थे अरिजीत सिंह के गानों को, उतना ही मोहब्बत वहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान के लोग कर रहे थे और नेपाल के लोग कर रहे थे और बांग्लादेश के लोग कर रहे थे। तो ये बड़ा अजीब लगता है मुझे देख करके, जब हम देश से बाहर होते हैं तो चाहे किसी भी कंट्री के हों, किसी भी जाति के हों, साथ में रहने, साथ में सेलिब्रेट करने में कोई परेशानी नहीं होती, बट जैसे ही अपने देश में जाते हैं वैसे ही डिविजन बढ़ जाता है और रंजिशें बढ़ जाती हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इन रंजिशों को ख़त्म कीजिए और साथ में सेलिब्रेट करना सीखिए और लाइफ को जीना सीखिए।